नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं साधिकाओं, बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो लंबी साधनाएं करने में असमर्थ हैं और कई सारी साधिकाएं हैं जो कि लंबे समय की जो साधनाएं हैं 40 दिन की और 84 दिन की साधना, ऐसा करने में वो थोड़ा असमर्थ रहते हैं, चाहे उन्हें बैठने की दिक्कत है या अपने कारोबार में लगे रहते हैं। तो आज मैं एक दिवसीय साधना बताने जा रहा हूँ और ये साधना बहुत ही उग्र साधना है, लेकिन ये एक दिन में सिद्ध होने वाली साधना है। आप इस साधना को किसी शुभ अवसर पर भी कर सकते हैं, जैसे कि आप सूर्य ग्रहण में कर सकते हैं, दिवाली की रात को कर सकते हैं, होली की रात को कर सकते हैं, या आप किसी भी अमावस्या या कोई ऐसा शुभ तिथि के हिसाब से आप कर सकते हैं। और ये मरघट मसान की साधना है, यानी कि आप इसे ये मत समझिएगा कि ये कोई इधर उधर की साधना है या कोई मसान की साधना है। ये बाबा भैरव की साधना है जो कि शमशान में निवास करने वाले, यानी ये कह सकते हैं शमशान भैरव की साधना है, जो शमशान के जो देवता हैं बाबा भैरव, ये उनकी साधना है। और इस साधना को आप अगर संपर्क कर लेते हैं तो ये आप मान के चलिए कि आप किसी की विद्या को कील सकते हैं, अपनी बंधी हुई विद्या को खोल सकते हैं, चाहे सामने वाले की गद्दी को कील सकते हैं, चाहे आप अपनी गद्दी खोल सकते हैं। और इसमें कोई लंबा चौड़ा विधान ऐसा प्रोसेस नहीं है, आप एक दिन में इस साधना कर सकते हैं। और यह जो है शाबर मंत्र है। शाबर मंत्र जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये थोड़ी अटपटी भाषा में होते हैं, जो क्षेत्रीय भाषा होती है, इस भाषा में इन मंत्रों का जो है निर्माण किया गया है और सिद्ध जो पुरुष हुए हैं, ऋषि लोग हुए हैं, उनके माध्यम से किया गया है, जिसमें आन लगी होती है और किसी किसी मंत्र में ओम भी लगा होता है, किसी किसी मंत्र में ओम नहीं लगा होता है। अब बात आती है कि आप किन मंत्रों का जाप करें, तो अगर आप ओम लगे हुए मंत्रों का जाप करते हैं तो उनमें तीक्ष्णता थोड़ी कम होती है, लेकिन जिन मंत्रों में ओम नहीं लगा होता है वो बहुत ही तीक्ष्ण मंत्र होते हैं। और ये जो साधना आपको देने जा रहे हैं, ये मरघटिया मसान यानी बाबा भैरव की, शमशान भैरव की साधना है और बहुत ही तीक्ष्ण साधना है। इस साधना को देने का उद्देश्य यही है कि काफ़ी आप में से साधकों ने अनुरोध किया कि कम समय की साधना आप उपलब्ध करवाएं। अच्छा, इस साधना से आप कई सारे कार्य कर सकते हैं, किसी का झाड़ा भी लगा सकते हैं, किसी का उतारा भी कर सकते हैं, कीलन भी कर सकते हैं। ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पास मंत्र उपलब्ध हो जाता है, चाहे वह नेट के माध्यम से हो, पुस्तक के माध्यम से हो, या किसी आपके वस्ताज या गुरु के माध्यम से हो, लेकिन उनके जो प्रयोग विधि होती है वो आपके पास नहीं होती है। यानी आपने मंत्र तो सिद्ध कर लिया लेकिन उसे आप प्रयोग करना नहीं जानते हैं। मेन कलाकारी होती है उसको प्रयोग करना, तो मैं इसका प्रयोग भी आपको बताता हूँ। आप इससे सुरक्षा घेरा भी लगा सकते हैं, आप किसी का झाड़ा भी लगा सकते हैं, किसी की विद्या को कील भी सकते हैं, खोल भी सकते हैं। और बिल्कुल सिंपल सा मंत्र है, दो लाइन का मंत्र है। और इस मंत्र को जब आप जाप करेंगे, बस इसमें यह है कि इसकी कोई संख्या नहीं है, आप अगर चाहें जितनी ज़्यादा संख्या में आप जाप कर सकें उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। इस मंत्र में इतनी ही एनर्जी ज़्यादा बनेगी। तो आप लोगों को मैं सबसे पहले मंत्र बता देता हूँ, आप लोग जो है मंत्र को नोट कर लीजिए और उसके बाद आप इसका मैं विधान सारा प्रोसेस बताता हूँ। औंधी खोपड़ी मरघटिया मसान बांध दे भैरव गुरु गोरखनाथ की आन। आप लोग मंत्र को पुनः सुने और मंत्र को नोट कर ले। औंधी खोपड़ी मरघटिया मसान बांध दे भैरव गुरु गोरखनाथ की आन। छोटा सा मंत्र है और ये बहुत ही प्रभावी मंत्र है। और आपने देखा होगा कि हमने पहले पूर्व में लाइव सेशन में
इस मंत्र का प्रयोग किया है तंत्र काट में, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मंत्र है। इसकी जो विधि है, सबसे पहले आप शमशान भूमि में जाएंगे और वहां जाकर के जो शमशान देवता की हाजिरी आप देंगे, हाजिरी में आप तामसिक जो हाजिरी होती है उसका प्रयोग करेंगे। और जब आप हाजिरी दें, हाजिरी दे करके अपने घर पे आ जाएं, हाजिरी आप दोपहर में दे सकते हैं 12 बजे से 2 बजे के बीच में। उसके बाद आप मध्य रात्रि में आप इस साधना को एक दिन कर लीजिएगा, एक दिन में यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और आप सामने बाबा भैरव की एक छोटी सी प्रतिमा रखेंगे, चाहे मूर्ति या मतलब कोई फोटो वगैरह, और सामने रुद्राक्ष की माला से अगर जाप करना चाहें तो रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हैं। अगर आप रुद्राक्ष की माला से जाप नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सामने जो है गूगल की धूप जलाएं। भोग के लिए आप मीठे में लड्डू का प्रयोग करेंगे। दिशा आप उत्तर की रख सकते हैं या पूर्व की रख सकते हैं, या आप अपनी सुविधा अनुसार भी अपना चयन कर सकते हैं। पहनने में आप जो है अपने वस्त्र काले रखें, आसन जो है काला रखें, और बजोट पे बाबा भैरव की जो प्रतिमा या मूर्ति रखें वो भी काले रखें। सामने चिराग जलाएं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, बाबा भैरव की जो साधना होती है उसमें जो चिराग होता है वो सरसों का तेल का होता है, और सेम यही स्थिति माता काली के जो चिराग होता है वो भी जो है सरसों के तेल का होता है। उसमें आप इत्र वगैरह मिला सकते हैं, चमेली का तेल भी मिला सकते हैं। अगर आपके पास सरसों का तेल उपलब्ध नहीं है तो आप चमेली तेल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र जब आप करेंगे, जाप करने के बाद जो आपकी पूजा सामग्री होगी वो पूजा सामग्री आप जल में प्रवाहित कर देंगे, आपका मंत्र एक दिवसीय साधना हो जाएगी। अब आते हैं दूसरे सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप पे आपको करना क्या है, अगर आप इस साधना को और तीक्ष्ण बनाना चाहते हैं, यानी कि पावरफुल बनाना चाहते हैं, मंत्र को प्रभावी बनाना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, इस मंत्र को आप कुछ दिन तक कंटिन्यू जाप करते रहें। लेकिन जाप करने का जो तरीका है, एक साधना स्तर से जाप करें, एक आसन पर बैठना, एक ही माला, एक ही दिशा, एक ही समय, एक ही संख्या, और बिल्कुल सात्विक रह करके, ब्रह्मचर्य से रह करके आप इस मंत्र का पाठ करेंगे। चाहे आप 7 दिन कर लें, 11 दिन कर लें, 30 दिन कर लें, जैसा आप उचित समझें वैसा कर लें। इस मंत्र को जितना आप पाठ करेंगे उतनी ज़्यादा ही एनर्जी इस मंत्र में बनेगी, और जब आप किसी की हीलिंग करेंगे या सुरक्षा के स्तर से आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही पावरफुल ये मंत्र हो जाएगा, उतना ही अच्छा ये कार्य करेगा। अब बात आती है कि आप इस मंत्र से सुरक्षा घेरा कैसे लगाएंगे, तो आपको करना क्या है, जब आपका मंत्र क्रियाशील हो जाए, चैतन्य हो जाए, तब आप इस मंत्र को जाप करते जाएं और अपना एक चाकू ले लें, चाकू पे फूंक मारते जाएं, दम करते जाएं, और आप इसे 11 बार 21 बार पढ़ लें, और पढ़ने के बाद उस चाकू को अपने चारों ओर दायरा गोल गोल खींच दें, लगभग 1 मीटर की दूरी पे। इसे बोलते हैं कुंडल या लक्ष्मण रेखा टाइप में आप इसे कह सकते हैं। कोई भी शक्ति इस ग्राउंड के रेखा के अंदर नहीं आएगी। जब आपकी साधना पूरी हो जाए तब आप इस लाइन को कट कर दें, यानी कवच को खोल दें। जब आप इस मंत्र से आप अपनी विद्या को खोलें तो आप सीधा सा यही कहें, औंधी खोपड़ी मरघटिया मसान, जहाँ शब्द आया है बांध दे, वहाँ पर आप कहेंगे खोल दे भैरव, खोल दे भैरव गुरु गोरखनाथ की आन, यानी औंधी खोपड़ी मरघटिया मसान खोल दे भैरव गुरु गोरखनाथ की आन। ऐसे आप अपनी विद्या को खोल सकते हैं। किसी की बंधी हुई दुकान या कारोबार बंधा हुआ है उसे आप खोल सकते हैं। और जब किसी की सिस्टम को लॉक करना हो, बांधना हो, तो सीधा सा मंत्र है औंधी खोपड़ी मरघटिया मसान बांध दे भैरव गुरु गोरखनाथ किया। यानी इसको आप दो तरीके से चला सकते हैं, एक तो बांधने में, दूसरे इसके उलट खोलने में। अब बात आती है किसी की नज़र या कोई ऐसा दोष है उसे झाड़ने की, तो आप क्या करेंगे, चाकू ले लेंगे, उससे मंत्र पढ़ते हुए एक इशारा टाइप में करते जाएंगे, यानी चाकू से दूर से झाड़ा मारते जाएंगे, यानी उसे कट कर रहे हैं, उस पर जो नज़र लगी उस दोष को कट कर रहे हैं।
यानी आपको शरीर को शरीर पे टच नहीं करना है चाकू को, दूर से ऐसे करना है इशारे से कि मैं उसे कट कर रहा हूँ, पहले लाइन सीधी लाइन खींचे फिर तीसरी आड़ी लाइन खींचे तीसरी खींचे, ऐसा मंत्र पढ़ते फूंक मारते जाएं और इशारा करते जाएं कट का, आपको शरीर से टच नहीं करना, दूर से ही करना है। और अगर आपके पास छोटी सी चाकू उपलब्ध नहीं है तो आप उंगली से भी कर सकते हैं, मंत्र पढ़ते जाएं इस उंगली से इशारा करते जाएं कि मैं इस जो विद्या से कट कर रहा हूँ टेढ़ी, पहले लाइन सीधी करें फिर तीसरी तीसरी काटते जाएं, तो इससे आप एक एक जो है अपनी जो धारणा है, जो इच्छा है, उस मंत्र की जो एनर्जी है उसको उस हिसाब से सामने वाली एनर्जी को कट करेंगे अपनी एनर्जी से, ये इसका प्रोसेस है। इसके बाद अब आप आते हैं कि जैसे आप साधना कर रहे हैं या कोई दूर दराज बैठा हुआ कोई व्यक्ति है इसे आप हीलिंग कर रहे हैं, यहाँ से आप अपनी शक्ति को चलाएंगे तो मंत्र जाप करते हुए थोड़ी सी मिट्टी लेंगे, मिट्टी को पढ़ते फूंक मारते हुए ऐसे हवा में उड़ा देंगे, फेंक देंगे, कहेंगे जाओ फला व्यक्ति को ऐसी दिक्कत है, इस दिक्कत को आप सही करें। इस तरीके से आप दूर से बैठे व्यक्ति की भी हीलिंग कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस आप कर सकते हैं सिर्फ एक दिवसीय साधना में, तो आप ऐसी एक दिवसीय साधना करिए और साधना करने के बाद आप जो है लाभ उठाइए। और अगर इस साधना से जुड़ी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप इससे हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के आप जानकारी ले सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मंत्र और ये जो एक दिवसीय साधना है ये आपको पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर करेंगे, इससे आप लाभान्वित होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे हैं और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल से जुड़ने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय शिवा शक्ति, नमस्कार।